धमतरी जिले में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर चोरों ने पौश कॉलोनी के एक घर को अपना निशाना बनाया है। बता दें कि अज्ञात चोरों ने मैत्री विहार कॉलोनी के एक घर से 2 लाख रुपए नकद और करीब 2 किलो चांदी के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मैत्री विहार कॉलोनी निवासी नरेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे, जिसके चलते उनका मकान सूना पड़ा था। वही जब काम वाली बाई घर की साफ सफाई करने पहुंची तो दरवाजा खुला और ताला टूटा हुआ था। मैत्री विहार कॉलोनी में पिछले रात को एक चोरी की घटना घटित हुई है, जिसमें वो जो मकान मालिक है 2 दिन से घर से बाहर था। घर में काम वाली आती थी तो सवेरे जब वो आई, देर रात्रि में कोई घर में नहीं था, सवेरे जब आई तो देखी कि ताला टूटा हुआ है, सामान अस्त व्यस्त है, वो नहीं बताया भाई। बाकी जब मालिक नरेश अग्रवाल करके वो मकान के मालिक हैं तो आए तो उन्होंने बताया सारे चीज़ों को देख करके, 2 किलो चांदी का सामान और नकद तकरीबन 2 लाख रुपया चोरी हो गया है। आरोपियों की पता से शादी की जा रही है, जल्द गिरफ्तार करके उनको। अब मॉडल सुपरिंटेंडेंट वगैरह को देख के तो लगता है क्योंकि बाहरी ऊपर किसी घर को छुआ नहीं है, जो सिर्फ 2 रूम जिसमें सामान वगैरह था उसी को उसने तोड़ा है, वहीं से चोरी किया है।